बेसिकली हेयर हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है जो मेजरली जो बहुत इफेक्टिव शैम्पू सीरम या हेयर ऑयल होते हैं। गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मुझे ना बहुत टाइम से वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए। एक तो आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे आसपास के जो लोग हैं ना वो इतने अच्छे हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। लाइक रिसेंटली अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो आपने देखा होगा मैंने जस्ट अभी 500 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर अचीव किया है। बहुत छोटा वैल्यू है, लाइक बहुत छोटा सा नंबर है, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब मैंने यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट किया था ना मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं यहाँ तक भी पहुँचूंगी या मैं इतना बनाऊंगी। क्योंकि खुद को रिकॉर्ड करके खुद को कैमरे पे देखना और सुनना उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। नो डाउट इस यूट्यूब चैनल के साथ में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है, मेरी नॉलेज बहुत बड़ी है, मुझे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लाइक मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ ना कि मैं इतने अच्छे लोगों के साथ में सराउंडेड हूँ। तो मुझे बहुत लोगों ने ना मेरे आसपास के कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करा था कि आप जो भी करेंटली हेयर सीरम हो गया या शैम्पू हो गया मास्क हो गया जो भी आप यूज़ कर रहे हो ना प्लीज़ आप बताओ। जैसे मैंने हेयर सीरम अपना शेयर किया था शॉर्ट के अंदर कि मैंने मेथी के दाने के पानी का बनाया था और वो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक कहीं तो मैंने किसी की तो हेल्प करी। तो इसी के साथ ही मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि करेंटली मैं कौन कौन से शैम्पू है जिनके साथ हिट एंड ट्रायल कर रही हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं लॉरियल प्रोफेशनल की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं उसी के शैम्पूज हमेशा अगर मेजरली कहा जाए तो मैं उन्हीं को ही यूज़ करती हूँ, उसके अलावा मैं और कोई यूज़ नहीं करती हूँ। मीनवाइल मैंने एक दो शैम्पूज के बारे में थोड़ा रिसर्च किया था, कुछ बहुत एक्सपेंसिव थे तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम कि उन पर स्पेंड किया जाए क्योंकि मैंने और बाकी चीज़ों पे स्पेंड ऑलरेडी बहुत कर दिया था। तो उसके बाद में मैंने फिर दो तीन शैम्पू और लेकर आई तो मैं उनको मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन में लगाती हूँ और मुझे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे कौन कौन से करेंट फेवरेट शैम्पू मास्क और हेयर सीरम। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरे पास क्योंकि वो बॉटल नहीं है एक ब्राउन कलर का शैम्पू आता है, ब्राउन मतलब उसका कलर ब्राउन है जिसका इसका शैम्पू आता है, इसी मास्क का शैम्पू आता है तो इसी का मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ। जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा बीच में पतले हो गए थे, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग गया था, बहुत डैमेज कंडीशन में आ गए थे, तब मैं उसका शैम्पू और ये हेयर मास्क यूज़ करती थी। वो खत्म हुआ लेकिन वो मेरे बालों का लेंथ जो था ना, एक स्ट्रेंथ जो होती है ना बालों की, जो वॉल्यूम होती है वो बहुत अच्छी होगी, बट पता नहीं क्या हुआ ऑल ऑफ सडन एकदम से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखिए हेयर फॉल दो रीजन से होता है, अगर आप पोस्टपार्टम वाले फेज में नहीं हो, अगर आप मदरहुड वाले फेज में नहीं हो तो इन जनरली या तो आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है तब हो रहा है या फिर वेदर कंडीशन कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होने लग गया वैसे हम सबको ही पता है, तो उस कंडीशन में भी आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे साथ दूसरा वाला कंडीशन हुआ, जैसे ही वेदर चेंज होता है मुझे स्लाइटली हेयर फॉल का प्रॉब्लम रहता है, वो 15 से 20 दिन का एक विंडो होता है जिसमें मुझे होता है। तो उस टाइम मैंने फिर यूज़ किया लॉरेल का ही ये वाला डेंसिटी एडवांस वाला, इससे बेसिकली मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, मुझे ना मेरा सिर्फ हेयर फॉल बंद हुआ, काफ़ी हद तक कम हुआ। मैं ये नहीं कहूँगी बंद हो गया, कोई भी चीज़ 100% यू नो इफेक्टिव नहीं होती है आपकी बॉडी पे। तो आपको साथ साथ में देखो प्रोडक्ट के साथ में ना आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अगर आप अच्छा खा रहे हैं, अगर आप अच्छा एक रूटीन है आपकी लाइफ में तो आप प्रोडक्ट के साथ में आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत बहुत मैटर करता है कि आपका जो भी आपको करेंटली प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वह हेल्थ रिलेटेड हो गई, चाहे वह स्किन रिलेटेड हो गई, हेयर रिलेटेड हो गई, तो वो कितना एफिशिएंसी है। तो मैंने ये वाला यूज़ किया, मेरा काफ़ी हद तक जो हेयर फॉल था वो कम हुआ। उसके साथ ही मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में एक बार मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ये वाला मास्क लगा लूँ। अच्छा मैं इसको ऐसे नहीं लगाती कि मैंने शैम्पू करा और उसके बाद में मैंने मास्क लगाया, मैं इसको बेसिकली क्या करती हूँ एक बार कोई भी नॉर्मल शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ, इससे नहीं नॉर्मल किसी भी शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ, इसको लगाती हूँ 15 मिनट के लिए, छोड़ती हूँ इसको 15 मिनट लगाने के बाद में फिर वॉश करती हूँ, फिर मैं ये वाला यूज़ किया। तो ये मैंने एग्जैक्टली 3 वीक तक ये वाली इस तरीके से मैंने इन चीज़ों को लगाया है और मुझे बहुत बेनिफिट रहा। जब मुझे पता चल गया कि अब मेरा हेयर फॉल खत्म होने लग गया, काफ़ी कम हो गया, तो फिर मैं प्रॉपरली इससे वॉश करती थी अपने बालों को और उसके बाद में जैसे 15-20 मिनट लिए जो भी आपके लिए कन्वीनियंट वे है उसमें मास्क लगा के मैं छोड़ देती थी। अब क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत कम हो चुका है, टच वुड अब ना दोबारा स्टार्ट नहीं होना चाहिए मेरा हेयर फॉल, मैं नहीं बेयर कर सकती इस चीज़ को क्योंकि बच्चों के साथ में बहुत मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करना। अगर आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा हाँ मुझे कोल्ड हो रखा है, इसी चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं करती क्योंकि बोलने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा थ्रोट पेन होता है और अभी भी थ्रोट पेन तो नहीं हो रहा बट बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे।
तो उसी के साथ मैंने क्या किया, जैसे मैंने बताया ना कि जब मैं एक नॉर्मल शैम्पू लगाने के बाद में हेयर मास्क लगाती हूँ, तो वो नॉर्मल शैम्पू मैं कौन सा लगाती हूँ, ये भी एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि मैं इस वाले को लगाती हूँ, क्योंकि बेसिकली ये जो सीरीज आई ना लॉरियल प्रोफेशनल की, वो इसी के लिए थी कि आपके बाल अगर बहुत ड्राई है तो उनको मॉइस्चराइज करना। आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है और अगर आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो आपकी स्किन अच्छी लगेगी, ड्यूई लगेगी, बहुत ड्राइनेस नहीं दिखेगा। तो वही सेम इसके साथ में भी यही कॉन्सेप्ट है। मैंने इसका मॉइस्चराइजर भी मंगाया, हेयर मॉइस्चराइजर भी मंगाया, वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, इट इज़ येट टू ट्राई, बट मैं उसको ट्राई करके डेफिनेटली रिव्यू अपना जरूर दूंगी। तो इससे मैं पहले वॉश करती हूँ, मतलब नॉर्मल कोई भी शैम्पू, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी रैंडमली शैम्पू उठा लिया आपने उससे वॉश करा, नहीं। आप अगर 5 मिनट के लिए भी अपना हेयर वॉश कर रहे हैं और किसी आपने एकदम ऐसे शैम्पू से यूज कर लिया जो आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है, या हो सकता है वो आपको सूट नहीं करे, तो उससे भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। इसलिए मैंने मेक श्योर किया कि जो भी मैं एक नॉर्मल शैम्पू यूज कर रही हूँ, जो मेरा डेजिग्नेटेड एक होता है ना, इसके अलावा अगर मुझे कुछ और यूज करना है तो वो भी फिक्स होना चाहिए कि उससे भी मुझे कोई मेजरली साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको यूज किया, इसको बेसिकली अब मैं ऐसे यूज करती हूँ, इसको जब भी मुझे हेयर मास्क लगाना होता है शैम्पू करने से पहले, तो वो जो प्री हेयर मास्क वाला जो शैम्पू होता है ना, मैं तब इसको यूज करती हूँ। थोड़ा सा वॉश करके, अच्छा सा स्क्रब करके बालों को, जितना आपके पास टाइम होता करके, फिर नॉर्मल हेयर मास्क लगा के फिर शैम्पू कर लेती हूँ। तो ये वो शैम्पू है, अच्छा शैम्पू। अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके बालों को वॉल्यूम वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस ये चाहिए कि नॉरिशमेंट मिलना चाहिए बहुत अच्छा, बालों के अंदर एक ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए, तब आप ये वाला सीरीज डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा शैम्पू है, ट्रायल एंड टेस्टेड है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद में रिसेंटली अभी मैंने 2 वीक्स ही हुए हैं, मुझे बहुत ज्यादा वीक नहीं हुए हैं, बट मैंने बॉडी शॉप की, क्योंकि बॉडी शॉप की जो स्पेसिफिक 2-3 सीरीज है शैम्पू की, जैसे बनाना सीरीज होगी, जिंजर सीरीज होगी, शिया बटर सीरीज होगी, इसके शैम्पू बहुत अच्छे हैं। मैंने रिव्यूज देखे थे, मैंने वीडियोज देखे, तो मैं एक दो मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बताया कि द बनाना शॉप के बहुत अच्छे, द बॉडी शॉप के बहुत अच्छे शैम्पूज हैं, ट्रायल करके आप देख सकते हो उनको। तो मैंने फिर उसका शिया बटर मैंने मंगाया बॉडी शॉप का, शिया फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई हेयर प्रॉन टू ब्रेकेज इंटेंस रिपेयर विद वीगन सिल्क प्रोटीन। तो बेसिकली ना शिया बेस्ड शैम्पू है। अब शिया बटर तो आप लोगों को पता ही है, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि मैं चीकू के लिए जब विंटर का होता है ना स्किन केयर, तो मैं उसमें हमेशा शिया बटर ही यूज करती हूँ उसके लिए, उसके लिए भी, खुद के लिए भी। इवन मैं डायपर रैश के लिए कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने शिया बटर को यूज किया, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। तो मैंने इस बार सोचा कि क्यों ना स्किन के अलावा हेयर्स के साथ में शिया बटर वाला यूज करके देखा जाए। तो मैंने ये बॉडी शॉप का लिया शिया बटर वाला शैम्पू, और मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं इसको यूज करते हुए। लाइक मैं 1 हफ्ते में 1 बार नहीं 2 बार हेयर वॉश करती हूँ। तो कोई भी अगर आपको शैम्पू का रिजल्ट देखना है, तो आप पहले तो 3 हफ्ते ले लीजिए। 3 हफ्ते में आपने 6 बार बाल धोए या आपने 5 बार धोए, 5 से 6 बार के वॉश के बाद ही आपको उस शैम्पू का, उस मास्क का, उस सीरम का क्या रिजल्ट हो रहा है तब आपको पता चलता है। 1 से 2 वॉश में नहीं पता चलता है। लाइक ये बहुत कम टाइम है जिसमें जज करना किसी भी प्रोडक्ट को कि ये अच्छा है या बुरा है। कम से कम 1 महीना मान के चलिए, 1 महीना नहीं तो एटलीस्ट 3 हफ्ते मान के चलिए, उसके बाद ही कोई भी प्रोडक्ट के कंक्लूजन पे आइए कि वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है। मुझे 2 हफ्ते ही हुए हैं, मैंने सोचा क्योंकि मुझे इतना एकदम से 2 हफ्ते बाद मैंने चार बार हेयर वॉश करा, मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला ना, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा मुझे ये चीज शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो ये मैंने यूज किया और मैंने आज ही हेयर वॉश किया है। देखिए बालों के स्ट्रेंथ में मुझे प्रॉब्लम नहीं आई है, बालों का मतलब वॉल्यूम वाला मेरा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। ये वॉश करने के बाद में मैंने कोई हेयर ऑयल नहीं लगाया था वॉश से पहले, मैं ट्राई बहुत करती हूँ लगाने का बट नहीं टाइम मिल पाता है। और आप देखिए मेरे बालों में शाइन, कोई मैंने एक्स्ट्रा लाइटिंग नहीं करी है रूम में ये, और मुझे वॉश किए हुए भी 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। और ये देखिए मेरे बालों का शाइन, ये देखिए मेरे बालों की लेंथ अब इतनी हो गई है, ये देखिए। तो आपको रिजल्ट पता चल ही जाएगा, मेरे बाल बीच में काफी खराब हो गए थे और जैसे ही मेरा हेयर फॉल बंद हुआ तो फिर मैंने ये वाला शैम्पू ट्राई किया और ये बहुत ही अच्छा निकला। तो अगर आपको भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है कि जैसे अब समर्स आ रहे हैं तो बालों में पसीना, चिपचिप और यू नो ईची स्कैल्प, ये बहुत प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी ही होगी, तो और ड्राइनेस बहुत हो जाएगी बालों में क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है ना, स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, स्किन में इतना प्रॉब्लम होता है, तो स्कैल्प में तो कितना ही होता होगा जिसपे इतने बाल रहते हैं। तो आप ये वाला शैम्पू यूज करिए। तो ये करंट मेरा फेवरेट वाला सीरीज चल रहा है जिसमें लॉरियल प्रोफेशनल और द बॉडी शॉप का मैं अब यूज कर रही हूँ। मुझे ओलाप्लेक्स के शैम्पू का मैंने रिव्यूज देखे थे, वीडियोज देखे थे, मैंने बहुत लोगों का रिव्यूज देखा,
मुझे ऐसा लगा कि मुझे ओलाप्लेक्स को भी ट्राई करना चाहिए, बट अभी मेरा टचवुड बालों का प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे मुझे इतना इन्वेस्ट करना चाहिए उस प्रोडक्ट पे, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है प्रोडक्ट। सेकेंडली, अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है और अगर आपको कोई देसी नुस्खा ट्राई करना है, तो आपका कोई भी हेयर ऑयल हो गया, जो भी आप रूटीन में ऑयल लगा रहे हैं, या आप कोई अगर हेयर सीरम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं घर में, कोई भी DIY करके कर रहे हैं, आप उसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की 2 से 3 ड्रॉप्स डाल दीजिए, वाइटामिन ई की 2 से 3 कैप्सूल डाल दीजिए, आपको उससे भी बहुत इफेक्ट मिलेगा बालों में। ये बहुत बेसिक सी चीजें होती है, मुझे पता है आजकल की भागदौड़ की लाइफ में इतना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट ट्रस्ट मी, आपका कोई भी, आप बस इतना सिंपल सा कर लीजिए। अगर आप हेयर ऑयल लगाते हैं तो आपको उसमें 3 से 4 ड्रॉप या 2 से 3 ड्रॉप, जितना भी अमाउंट में आप लगाते हैं, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए, क्योंकि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल इतना पोटेंट होता है ना, वो बेसिकली हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है, जो मेजरली जो बहुत इफेक्टिव शैम्पू सीरम या हेयर ऑयल होते हैं ना, उसमें आपको रोजमेरी एसेंशियल ऑयल दिखेगा ही दिखेगा। तो आप ये वाला करके देखिए, ये मैंने किया है, ये मेरा बहुत एक फेवरेट एक एसेंशियल ऑयल है, जो मतलब मेरे घर में हमेशा आपको मिलेगा, चाहे कोई कुछ मिले ना मिले, ये तो हमेशा मिलता है। तो आप ये वाला करके देखिए और ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा बैंडविड्थ नहीं है। चीकू इज अबाउट टू वेक, क्योंकि वो अभी वेकअप, वो अभी सो रहा है, और इतनी शांति है ना घर में, इतनी शांति से मैं वीडियो बना रही हूँ। ट्रस्ट मी, जो न्यू मॉमीज है ना, वो चीज़ इससे बिल्कुल मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि जब बच्चा सोता है ना, तो इतना पीस मिलता है ना, इतना पीस मिलता है, फिर आप बीमार हो कुछ भी, आपको लगता है बस जल्दी से वाला काम कर लो। सो ये मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करना था इस वीडियो के अंदर। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट डाउन करके बताइए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको कोई भी स्किन केयर हेल्थ से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड या लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जितना मुझे पता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ट्राई करूंगी आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और आप कमेंट डाउन करके बताइए आपको और किस किस टॉपिक पे, किस किस जॉनर में आपको वीडियो चाहिए, आई विल ट्राई टू मेक ऑन दैट एज वेल। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय। होपफुली जल्दी नेक्स्ट व्लॉग भी आए, बट शॉर्ट्स तो डेफिनेटली रोज आएंगे ही आएंगे। सो मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।